मुंबई हमलों के बाद सरकार का हाल, एक खुफिया खबर की नहीं की पड़ताल। गृह मंत्री ने किया ऐलान, हमले की ताक में भारत में घुसे 5 आतंकी। इनपुट्स रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट। लेकिन जल्द ही खुल गई इस बात की पोल, जिन्हें आतंकी बताया वो पाक के कारोबारी निकले। क्या ये किसी डबल एजेंट की है करतूत? नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादंबिनी शर्मा हूँ आपके साथ। मुंबई हमलों को 3 साल से ज्यादा होने को आए, लेकिन वो तस्वीरें हैं कि जेहन से जाती नहीं है। वो दहशत, वो गुस्सा लोग भूले नहीं हैं, और इसलिए जब देश का गृहमंत्री ये कहता है कि वैसा ही हमला फिर करने की योजना है, लेकिन इसमें शामिल दहशत गर्दों के बारे में हम सब पता है, उनकी तस्वीरें भी हैं, हम उन्हें पकड़ लेंगे, तो लगता है कि वाह, हमारी खुफिया एजेंसियाँ काम कर रही हैं, अब ऐसे हमलों को रोकने में सक्षम है। लेकिन फिर खबर आती है कि असल में किसी ने हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को शायद उल्लू बनाया, जिनको लश्कर का आतंकवादी बताकर तस्वीरें छापी गई, वो असल में व्यापारी और सिक्योरिटी गार्ड ने की पाकिस्तान में। तो ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़्यादा दहशत होती है, डर लगता है, और हम सोचने को मजबूर होते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और आपको ये बता दें कि इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है, वो रुख जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, सुबह उठकर वो देखता है कि अखबार में उसकी तस्वीर निकली है, नीचे लिखा है कि वो आतंकवादी है और पड़ोसी देश में उसकी तलाश हो रही है। ये दो तस्वीरें, दो रुख हैं जो दो अलग अलग मुल्कों में नज़र आती हैं। लेकिन आखिर हुआ क्या, मसला क्या था, राजनीतिक पहलू इसके क्या है, क्या NCTC का दबाव था जो 5 मई को चिदंबरम ने खुद इस जानकारी के बारे में बताई, सारा कुछ काफी घुल मिलकर अजीब सी स्थिति बना गया है। और इसमें देखना होगा कि आखिर हो क्या रहा है, कहां कौन गलत हुआ। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं वो खबर जो आज हुई। गृह मंत्रालय ये जानने में जुटा है कि आखिर पूरा मसला क्या है, क्या डबल एजेंट की कोई बात है या कुछ और। ये 5 फोटो भारत की सबसे बड़ी खुफिया गड़बड़ी के सबूत हैं। इन्हें एक अलर्ट के हिस्से के तौर पर जारी किया गया था, बताते हुए कि ये 5ों भारत में घुस गए हैं और देश के कई अहम ठिकानों पर हमले की योजना बना रहे हैं। इनमें गेटवे ऑफ इंडिया, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और गुजरात और पंजाब की ऑयल रिफाइनरी तक शामिल थी। रिपोर्ट इतनी पक्की थी कि इसमें यहाँ तक कहा गया था कि आतंकी बोट के जरिए गेटवे ऑफ इंडिया पहुँचेंगे, बिल्कुल 26/11 की तर्ज पर। इस खबर की हकीकत सिर्फ इतनी है कि भारतीय अखबारों में छपने के महज कुछ घंटों बाद पाकिस्तानी मीडिया ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और ये भी बताया कि ये कारोबारी लाहौर के रहने वाले थे और इनमें से कोई भी कभी भारत नहीं आया। सवाल है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को इतने भरोसे लायक खबर मिली कहां से? ये खबरी कौन था जिस पर इतना यकीन किया गया? गृहमंत्री ने तो NDTV इंडिया के सवाल का जवाब देने से इनकार किया और गृह सचिव ने भी साफ जवाब नहीं दिया। हालांकि सूत्र कह रहे हैं कि भारतीय एजेंसियों को अब शक हो रहा है कि उन्हें किसी डबल एजेंट ने गुमराह किया जो ISI का मोहरा रहा होगा, और ये खबर भारत को शर्मिंदा करने के लिए प्लांट कराई गई। इसकी वजह से 10 दिन बाद होने वाली गृह सचिवों की बैठक से पहले भारत बैकफुट पर आ गया है। गृह मंत्रालय की मुश्किल दोहरी है, वो जानता है कि ये मामला पाकिस्तान आने वाली गृह सचिव की बातचीत के दौरान तो उठाएगा ही, साथ ही उसे इस मामले की सफाई कई स्तरों पर देनी होगी, साथ में ये भी निश्चित करना होगा कि इस तरह की गलती दोबारा ना हो। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अल्फ्रेड के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर उमा सिंह, हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से, और अरुण भगत हैं हमारे साथ तो फॉर्मर डायरेक्टर हैं IB के, और राणा बैनर्जी हमारे साथ फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के, JC शर्मा हमारे साथ हैं फॉर्मर सेक्रेटरी हैं MEA के, और कुछ ही देर में हमारे साथ BJP सांसद तरुण विजय भी जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे राणा बैनर्जी से कि जिसको हम गूफअप कह रहे हैं, वो क्या आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये व्यावहारिक घटना के
चक्रक्रम में जो है ये इस तरह की बात हो सकती है, मैं इसको गूफ अप नहीं मानता हूँ। आतंकवाद से संपर्क रखती हुई जो इस तरह की घटनाएं हैं उस पर बैठे रहना बहुत मुश्किल होता है। जब इस तरह की कोई सूचना आती है तो जो सूचना का स्रोत होता है उसमें हमें ये देखना होता है कि उसकी विश्वसनीयता कैसी है और उसकी पहुंच क्या थी। तो इस आधार पर जो विश्लेषक होता है वो इस खबर को बहुसंस्थीय केंद्र को देता है, जो मल्टी एजेंसी सेंटर है। उसके बाद उस पर क्या चर्चा होती है, किस तरह से उसको बताया जाता है विभिन्न पुलिस संस्थाओं को, ये उस पर निर्भर करता है कि उस पर कितनी वैल्यू दी गई हो। तो मैं नहीं समझता कि, और मैं जानता भी नहीं हूँ कि किस हद तक कहाँ पे ये इसको इस तरह से कहा गया और आतंकवाद की इस घटना को या इस सूचना को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा गया, तो ये सारी बातें देखने की हैं। जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आता है, उसमें से क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन चुनने के लिए क्या बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं? बेसिक स्टेप ये होता है, जो विश्लेषक होता है उसको ये देखना होता है कि सूत्र का स्रोत कौन है, उसको कहाँ से ये सूचना मिली और उसने पूर्व में किस तरह से अपना काम किया, उसने जो पूर्व में खबरें दी वो सच निकली कि नहीं, उससे उसकी पहुँच के बारे में क्या विश्वसनीयता थी, ये सारी चीज़ों को तौल कर फिर देखा जाता है कि इस बात पे कितनी सच्चाई हो सकती है। जी, लेकिन आतंकवाद से जो संपर्कित घटनाएं होती हैं या जो सूचना आती है उस पर आजकल कोई भी बैठे रहना पसंद नहीं करता है, तो इसलिए ये बात तुरंत बता दी जाती है और उसके बाद फिर ये बहुचर्चित हो जाती है, मीडिया भी इसको हर लेवल पे चली जाती है, बात का पतंगड़ बना देता है, तो ये सारी बातें। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news in your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.